तो नमस्कार साथियों, स्वागत है फिर से हमारी एक और नए वीडियो में। सो गाइस, आज के वीडियो में मैं आपको बताऊंगा गोगो दीदी योजना के बारे में। दोस्तों, अगर आप भी गोगो दीदी योजना के बारे में जानना चाहते हैं और इसकी क्या आवेदन प्रक्रिया है और कितने रुपए की राशि मिलेगी, कब से ये फॉर्म अप्लाई किए जाएंगे, पूरा प्रोसेस इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ। तो दोस्तों, वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और क्या क्या इसमें ज़रूरी डॉक्यूमेंट्स लगने वाले हैं सभी पर डिस्कस करने वाला हूँ, आपके सामने शेयर करने वाला हूँ। तो इसलिए दोस्तों, एक वीडियो को लाइक कर देना है, चैनल पर न्यू हो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और भी इसी तरह वीडियोस को देखने के लिए। दोस्तों, आपको पता है कि हम इस तरह के वीडियो को लाते रहते हैं। तो दोस्तों, ये गोगो दीदी योजना 2024 महिलाओं को मिलेंगे 2100 प्रतिमाह। तो जानते हैं दोस्तों, ये गोगो दीदी योजना सरकार महिलाओं को देगी 21,000, ठीक है, यानी कि 2100 रुपये, सॉरी। अगर दोस्तों झारखंड की आप महिला हैं या फिर बहन हैं, ठीक है, तो दोस्तों आप इस योजना का लाभ ले सकते हैं। पता क्या है, झारखंड में महिलाओं और बेटियों को आर्थिक सशक्तिकरण रूप से दिशा महत्वपूर्ण पहल के रूप में गोगो दीदी योजना को लॉन्च किया गया है। इस योजना के तहत गरीब परिवार से आने वाली बहन बेटियां को 2100 रुपये की वित्तीय सहायता प्रदान करेगी, जिससे इन्हें आत्मनिर्भर बना सके, ठीक है। वार्षिक रूप से इन्हें 25,200 की राशि उनके बैंक खाते में सीधे ट्रांसफ़र कर दीजिए गई, ठीक है। अब इसके बाद उसे यहाँ पर आपको जो चुनाव का यानी कि जो इसका मुख्य उद्देश्य है वो आत्मनिर्भर बनाना है। उसके साथ उसे यहाँ पर खास तौर पर यहाँ पर जो महिलाएं आवेदन करने वाली होंगी वो 15 से 49 साल की होनी चाहिए और इनके बीच में आते हैं तो आप आवेदन कर सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर झारखंड विधानसभा चुनाव मद्देनज़र उसे घोषित कर दिया गया, पर अब आपको यहाँ पर फॉर्म कैसे अप्लाई करना है, पात्रता की बात करें तो जो भी गोगो दीदी योजना के मुख्य उद्देश्य हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। वो महिला पिछड़ी वर्ग की होनी चाहिए, आत्मनिर्भर उन्हें बनाना है, उसके साथ ही उनके परिवार का ध्यान रखकर उनको सेलेक्ट किया जाएगा और आपकी वित्तीय सहायता देखी जाएगी कि कितनी आपकी वार्षिक आय है, ठीक है। अगर आपकी 3 लाख से ज़्यादा है तो दोस्तों आप इसके लिए एलिजिबल नहीं है। अगर आपकी 2.5 लाख के बीच में है तो आप इसके लिए 2 लाख 2.5 लाख के बीच हैं तो एलिजिबल हैं, ठीक है। अब दोस्तों, ये तो आपको बताया कि पर महीने आपको यहाँ पर 2100 रुपये दिए जाएंगे। उसके साथ दोस्तों यहाँ पर ये भी जान लेते हैं कि यहाँ पर पात्रता आपको पता है कि 15 से 49 वर्ष की होनी चाहिए। उसके साथ दोस्तों दस्तावेज़ की बात करें तो दस्तावेज़ में आपका आधार कार्ड डॉक्यूमेंट होना चाहिए, पैन कार्ड डॉक्यूमेंट होना चाहिए, आय प्रमाण पत्र होना चाहिए, बैंक खाता प्रमाण पत्र होना ही चाहिए, सॉरी बैंक खाता और जाति प्रमाण पत्र और मोबाइल नंबर और फोटो, ये चीज़ें दोस्तों आपके पास अनिवार्य होना चाहिए। और नहीं है तो दोस्तों बनवा लीजिएगा क्योंकि जल्द ही इनके फॉर्म भरे जाएंगे। अब दोस्तों, हालांकि इस योजना का घोषणा हो चुकी है, इसके आवेदन की प्रक्रिया चुनाव के बाद शुरू होगी और आवेदन ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरीके से किए जाएंगे। ऑनलाइन आवेदन के लिए लाभार्थी सरकार की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर रजिस्ट्रेशन फॉर्म भर सकती हैं और ऑफलाइन वही ब्लॉक या पंचायत कार्यालय में जाकर के आवेदन पत्र भरना होगा, ठीक है। तो दोस्तों, आपके ग्राम पंचायत में खुद ब खुद आएंगे और आपके ग्राम में आएंगे, वहाँ पर आपके घर पर आकर के स्वयं आपका फॉर्म भरेंगे या फिर आप ग्राम पंचायत में खुद जाकर के जो भी आपका कार्यालय है ग्राम पंचायत में वहाँ पर जाकर के अपना फॉर्म को फिल करवा सकते हैं और वहाँ पर ये योजना चलेगी कि वहाँ पर आप जाएंगे और आपका फॉर्म भरा दी जाएगा, ठीक है। यहाँ पर अगर आप ग्रामीण से आते हैं तो आपका यहाँ पर ग्राम में जो भी ग्राम प्रधान है वहाँ पर कार्यालय वहाँ पर ये सारा काम होता है, ठीक है। और ये फॉर्म अभी नहीं भरे जाएंगे, भी आपको अक्टूबर में भरने होंगे। 5 अक्टूबर से लेकर 6 अक्टूबर के बीच इसको स्टार्ट किया जाएगा तो तभी आप इसका फॉर्म भर पाएंगे। अगर शहरी से हैं तो दोस्तों आप वेबसाइट पर जाकर के आप जो है भर सकते हैं और कैसे भरना है उस पर भी हमारी नेक्स्ट वीडियो देखने को मिलेगी जब ये शुरू हो जाएगा। बाकी ये छोटी सी जानकारी, अगर आपको हमारी पसंद आई वीडियो को लाइक कर